Cuties and my Vansu lovers, welcome back to my channel Filmy Fan Fiction. और आज मैं आप सबके पास Vansu Fan Fiction का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था हमारे जाओ जीशु ने हमारे लावेन को बचाया और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था और उसे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर कर देखे जा रहा था और फिर लावेन गुस्सा हो गया और वहाँ से जाने लगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, पर हाँ उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हाँ ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर ही देना, ओके? और ज़्यादा से ज़्यादा Vansu लवर्स के साथ शेयर करना, ओके? और हाँ थैंक यू सो मच कि आप सब ने मेरे फ्रेंड के चैनल पर विज़िट किया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग उस चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब और उस चैनल के FF को बहुत ज़्यादा प्यार दें, ओके? प्लीज़ मेरे लिए एक बार Vansu वर्ल्ड पे विज़िट ज़रूर कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा लावेन गुस्सा होकर जा रहा था, दूसरी ओर जाओ जीशु उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो पूछ रहा था, ओमेगा बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहते कहाँ हो? हमारा जाओ जीशु इरिटेट हो रहा था क्योंकि हमारा लावेन उसे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। लावेन बस किसी तरह से वहाँ से खिसकने की कोशिश में था क्योंकि उसे अच्छे से पता चल रहा था कि ये नॉटी चाइल्ड कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पर जाओ जीशु तो जाओ जीशु है, वो कहाँ इतनी आसानी से पीछा छोड़ेगा, वो तो आगे आएगा ना। अब जाओ जीशु फाइनली हमारे लावेन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने करीब ले आकर कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हारा एल्फा हूँ, चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, मैं आज ही रिश्ता भिजवा दूँगा। ये सुनकर तो हमारा लावेन कुछ ज़्यादा ही चिढ़ गया। लावेन गुस्सा होकर कहता है, आप अपनी बकवास अपने पास रखिए और मेरा हाथ छोड़ दीजिए। जाओ जीशु फौरन उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, सॉरी सॉरी तुम्हें चोट लगी क्या, वैसे आई लव यू। और फिर हमारा लावेन मुंह बनाकर कहता है, आप क्या हर ओमेगा को पहले ही मुलाकात में ऐसा कहते हैं? फिर जाओ जीशु मुस्कुराकर कहता है, जेलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आज पहली बार किसी ओमेगा पर ट्राई किया है, इससे पहले मैंने कभी भी किसी भी ओमेगा को टीज करना तो दूर की बात देखा तक नहीं है, यकीन करो माय डियर तुम ही पहले हो, वैसे तुम मुझसे थोड़ा हाइट में ज़्यादा हो और शायद तुम्हारी एज भी थोड़ी ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं मैं एडजस्ट कर लूँगा। और हाँ तुम्हें पता है मैं जो कहता हूँ मेरे फैमिली वैसा ही करते हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये सब सुनकर हमारा लावेन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन इतने में ही एक प्यारी सी लड़की वहाँ आती है और कहती है, तुम तो सीधा शादी की बात कर रहे हो, वैसे गगा ये बोल क्या रहा था? बहुत कुछ, शियान कहती है, ए लड़के तुम पागल हो क्या? जाओ जीशु चिरते हुए कहता है, अगर हूँ तो उससे तुम्हें क्या? और फिर हमारा शियांग लावेन का हाथ पकड़ कर कहता है, मेरे भाई के साथ बदतमीजी कर रहे हो और मुझे ही कह रहे हो कि मुझे क्या? ये सुनकर जाओ जीशु एक स्माइल करके कहता है, ओह तो तुम उसके बहन हो, चलो अच्छा है, वैसे गर्ल एल्फा भी अच्छे दिखते हैं। हमारी शियांग एक गर्ल एल्फा है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, ओमेगा बॉयफ्रेंड, जिसका नाम है काओ वेनिंग। काओ वेनिंग भी वहाँ जाता है और कहता है, क्या हुआ, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कुछ नहीं, इस प्यारे से लिटिल से बॉय को मुझसे प्यार हो गया और वो अचानक से ही मुझसे सीधा शादी की बात कर रहे हैं, वैसे हमारी मुलाकात अभी 6 मिनट पहले हुई है। और फिर जाओ जीशु कहता है, 6 मिनट 16 सेकेंड। और ये सुनकर तो हमारी शियांग मुस्कुराकर कहती है, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मेरे भाई पे ट्राई करना बंद कर दो, कहकर शियांग अपने ब्रदर का हाथ पकड़ लेती है और फिर दूसरे हाथ से काओ वेनिंग को पकड़ लेती है और दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है। और जाओ जीशु कहती है, कोई बात नहीं, तुम तो मेरी साली हो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा।
तुमसे तो मैं शादी के बाद ही निपटूंगा, पर पहले मेरे लावेन को फंसा तो लूँ। और फिर जाओ जिशु जल्दी जल्दी जाता है और अपने फ्रेंड्स को लावेन के बारे में कहता है। हमारे जाओ जिशु ने चिपके से लावेन की एक तस्वीर भी ले ली थी अपने फ़ोन में। वो सबको अपना फ़ोन दिखाता है और कहता है, इसके बारे में मुझे सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, और हाँ आज के आज ही चाहिए, समझे तुम? और फिर सारे फ्रेंड्स कहते हैं, ओके हम आज ही इसके बारे में सब कुछ पता कर लेंगे, तो चिंता मत कर। और फिर ज़ाज़ुशु खुश हो जाता है और कॉलेज में अपने क्लास में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर आते हैं और कहते हैं, आज से आप लोगों को ये क्लास एक न्यू टीचर कराएंगे। और फिर टीचर न्यू टीचर को अंदर बुलाते हैं। प्रिंसिपल सर न्यू टीचर को जब अंदर लाते हैं तो हमारा ज़ाज़ुशु ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि उसका क्यूट ओमेगा ही उसका न्यू टीचर है। सॉरी फ्रेंड्स, आज थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, प्लीज़ थोड़ा सा सह लो, ओके? हमारा ज़ाज़ुशु बहुत ज़्यादा शौक में था, क्योंकि उसका लावेन ही उसका टीचर है। और फिर वो थोड़ा सा खुश भी हो गया कि अब वो जी भर के अपने ओमेगा से फ्लर्ट कर सकता है। थोड़ी ही देर में प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं और लावेन अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो कहता है, मेरा नाम वेन केजिंग है और आज से आप लोगों का ये क्लास मैं अटेंड करूँगा। और फिर लावेन बोर्ड पर मैथ कराना स्टार्ट करता है। हायर मैथ का क्लास था, हायर मैथ का क्लास था, सारे स्टूडेंट्स डरे हुए थे, लेकिन हमारा लावेन बहुत ही अच्छे से सबका क्लास लेता है और ज़ाज़ुशु को भी वो बहुत अच्छे से समझा कर पढ़ा रहा था। ज़ाज़ुशु को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि लावेन थोड़ी देर पहले हुए झगड़े को बिल्कुल भूलकर उसे पढ़ा रहा है। लावेन पुरानी बातें बिल्कुल नहीं भूला था। थोड़ी देर पहले ज़ाज़ुशु ने उसके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की थी, लेकिन लावेन इतनी आसानी से भूलेगा भी नहीं। पर फिर भी वो टीचर है, वो एक स्टूडेंट के साथ दुश्मनी तो नहीं कर सकता, उसे संभलना ही होगा। ऊपर से वो ओमेगा है, ज़ाज़ुशु अल्फा है, तो उसे संभालना भी ज़रूरी है, वरना कहीं हमारे लावेन के साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो। क्लास ख़त्म होने के बाद ज़ाज़ुशु लावेन के पीछे पीछे आता है और लावेन उसे काफ़ी बार मना करता है कि इस तरह मेरे पीछे पीछे मत आइए, लेकिन ज़ाज़ुशु बिल्कुल बात नहीं सुनता और उसे खींच कर एक कमरे में ले जाता है और फिर बिना कुछ और कहे उसे ज़ोर ज़ोर से किस करने लगता है। लावेन इरिटेट हो गया था, वो धक्का देकर ज़ाज़ुशु को दूर फेंक देता है। ज़ाज़ुशु को चोट लग जाती है हाथ पर और गुस्से में उसके दिमाग के पास वाली और गर्दन के पास वाली नसें उभर कर आ रही थी। ज़ाज़ुशु इतना गुस्से में था, वो गुस्से में लावेन को और ज़्यादा ज़ोर से पकड़ता है और उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली सक करते हुए किस करने लगता है। लावेन अब बहुत ज़्यादा डर गया था, वो डर के मारे रोने लगा था, लेकिन उसे रोते हुए देखकर हमारा ज़ाज़ुशु होश में आ गया और उसे छोड़ दिया और कहा, सॉरी लेकिन आज के बाद मुझे गुस्सा मत दिलाना, गुस्सा आ गया तो मैं क्या करता हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। और हाँ ये बात अच्छे से समझ लो, आप मेरे ओमेगा हो, समझे? तो आज के बाद मेरे अलावा किसी के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत करना। ये सब सुनकर हमारा लावेन बहुत ही ज़्यादा डर गया था, वो किसी तरह दौड़ कर वहाँ से बाहर आ जाता है। और फिर ज़ाज़ुशु सोचता है कि ये उसने क्या कर दिया, अपने ओमेगा को पहले ही दिन उसने डरा दिया। हमारा ज़ाज़ुशु ऐसा ही है, उसे गुस्सा आ जाए तो किसी बात का होश नहीं रहता, कुछ भी कर जाता है और फिर बाद में खुद ही पछताता रहता है। अब हम चलते हैं लावेन की ओर। वो जल्दी जल्दी श्याम के पास जाता है और कहता है, वो अल्फा, वो लड़का, वो मेरी क्लास में है। और फिर श्यान कहती है, कका आप चिंता मत कीजिए, उसकी अक्ल तो मैं ठिकाने ज़रूर ले आऊँगी, उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे भाई को फिर छेड़ा। और फिर लावेन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम अल्फा हो इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी से भी भिड़ जाओ, मुझे तो डर लगता है वो ज़रूर किसी बड़े ख़ानदान का होगा तभी इतना ज़्यादा अकर रहा है। और फिर श्यान कहती है, तो हम कौन सा गिरे हुए ख़ानदान से हैं, अगर पंगा लेने आएगा तो देख लेना मैं उसका क्या करती हूँ। और फिर लावेन कहता है, शांत हो जाओ श्यान।
और फिर इसी के साथ हमारा आज का पार्ट यहीं पर स्टॉप होता है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय बाय।